हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं फिर से एक रिव्यू वीडियो कर रही हूँ जो कि मैं इनके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। गिनी पिग। हाँ, और ये है बायोटिक का हेयर कलर जो कि है 1N नेचुरल ब्लैक। तो ये मैं एक पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ, 3N जो शेड है डार्क ब्राउन, तो वो मैं पहले से रिव्यू कर चुकी हूँ। अगर आप चाहे तो वो वीडियो भी मेरा देख सकते हैं जाके, मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी लिंक। और आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ 1N नेचुरल ब्लैक, और ये मैं ट्राई करने वाली हूँ इनके चेस्ट पे। तो इनके चेस्ट के जो हेयर्स हैं वो वाइट हो गए हैं, और ये मैं अप्लाई करूंगी और देखूंगी कि ये कितना काम करता है चेस्ट के हेयर्स पे। और इसमें आपको पता ही है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और इसमें 9 तरह के हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि ब्लैक टी, हिबिस्कस, शिकाकाई, कैलेंडुला, नेलिनी, टिशू, भृंगराज, अर्गन ऑयल, एवोकाडो ऑयल। तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल हर्बल है, और यहाँ पे और ये 100% ग्रे कवर करता है, और ये 50 ग्राम प्लस 110 ml है इसकी क्वांटिटी, और ये 250 rupees का आता है। तो ये हर जगह मिल जाता है, बाहर मार्केट में भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है ये मैं फिर से बता देती हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या क्या इन्होंने दिया है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो ये है डेवलपर, और ये है कलरेंट, और इसके साथ ही सोया प्रोटीन शैम्पू और सोया प्रोटीन कंडीशनर भी ये लोग देते हैं छोटे छोटे कंटेनर में, तो ये काफ़ी दिन चल भी जाता है। अगर आपको किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम हो तो पहले आपको पैच टेस्ट करके देख लेना होगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर ना, इसमें मेंशन किया हुआ है कि 48 आवर्स के पहले आप लोगों को पैच टेस्ट करना है, तो किसी भी सेंसिटिव जगह पर आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें एक लीफलेट दिया हुआ है जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि किस तरह से क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। और साथ में ये एक ग्लव्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके हाथ काले ना हो जाए, तो इनको पहन के यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके हाथों में स्टेन हो सकता है। तो मैं डेवलपर और कलरेंट को पहले मिक्स कर लूँगी, तो अकॉर्डिंग आपके कितने हेयर्स हैं उसके हिसाब से हम क्वांटिटी लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने ग्लव्स पहन लिया है हाथों में, और अब मैं इसको अप्लाई करूंगी इनके चेस्ट पे। अगर आप हेयर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो पहले शैम्पू करके फिर इसको अप्लाई कीजिए, और इसको लगाने के बाद आप धो भी सकते हैं और चाहे तो शैम्पू भी कर सकते हैं। इनके हर डायरेक्शन में जा रहे हैं बाल। तो मैं थोड़ा सा बचा हुआ है तो इनके हेयर्स पे अप्लाई कर रही हूँ। तो उस हेयर के भी जो व्हाइट बाल है वो भी काले हो गए। तो इसको सिर्फ हम 15 मिनट्स के लिए रखेंगे और उसके बाद इसको वॉश कर देंगे। तो देखते हैं ये कितना काम करता है चेस्ट के बालों पे। तो वही आज इसका टेस्ट है। तो 15 मिनट वेट करने के बाद ये ऐसे लग रहा है अभी ब्लैक। अभी मैं जाऊंगा नहाने के लिए, शैम्पू से इसको पूरा क्लीन करूंगा जो इसका हालत है, फिर उसके बाद देखते हैं इसका कलर कहां तक पहुंचता है। मेरे यहां पे पूरा व्हाइट था जो इसका हेयर था, और अभी देखते हैं कि ये लगाने के बाद क्या होता है। तो लेट्स सी। तो ये देख लीजिए 15 मिनट के बाद इनके जो यहाँ पे वाइट वाइट पूरे बाल थे वो पूरे ब्लैक हो गए हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्टेन पड़ गया है। मैंने एक गलती कर दी कि मुझे थोड़ा सा वैसलीन लगा लेना चाहिए था। अगर आप लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं स्किन पर तो पहले थोड़ा सा वैसलीन अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए, तो फिर स्टेन जल्दी निकल आता है। वैसे ही स्टेन बहुत देर तक नहीं रहता है, मतलब एक दो दिन में निकल जाएगा, और वैसे भी ये कौन सा बेयर चेस्ट घूमने वाले हैं। और मैं हैप्पी हूँ क्योंकि यहाँ पे व्हाइट होके पड़ा हुआ था, मुझे खुद ही खराब लग रहा था, तो अभी ब्लैक हो गया। और सलमान खान तो है नहीं कि शर्ट उतार के घूमेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो दिन में निकल जाएगा ये कोई। तो और ये कहीं पे कलर लगता भी नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी हेयर्स है पूरे तो ब्लैक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना। यहाँ पे भी देखिए यहाँ का स्टेन बिल्कुल चला गया है, यहाँ पे कोई स्टेन नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा इस यहाँ पे और यहाँ पे स्टेन आया है बस, और बीच में भी नहाने के बाद ही चला जाएगा। हाँ, तो इन्होंने शैम्पू यूज किया है
तो आप लोग अगर हेयर्स में यूज कर रहे हैं तो शैम्पू कर भी सकते हैं, वरना वॉश कर लीजिए ऐसे ही, एक दो दिन बाद शैम्पू कर लीजिए। और अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप मेरा पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने जैसे पहले बताया मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। तो हमारे लिए तो हम लोग सेटिस्फाइड हैं बायोटिक कलर से, और ये बिल्कुल नेचुरल है, हर्बल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और मेरी मम्मी तो बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब जब से ये आया है तब से इस्तेमाल कर रही हैं। तो किसी किसी कलर का जैसे साइड इफेक्ट होता है कि जो आपके ब्लैक हेयर है वो भी वाइट कर देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं करता है। जो आपके वाइट हेयर सिर्फ वही ब्लैक होते हैं, और जो ब्लैक है वो इतनी जल्दी ग्रे नहीं होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, स्टे हेल्दी से हैप्पी।